स्वागत है नया इंडिया टीवी के आज प्रोग्राम के पार्ट दो में। इसमें पर्दे के पीछे की बातों, राजनीति को बताने वाली गपशप है तो हल्ला प्राप्त मुद्दों का, मसले का खुलासा भी। सो सुने और पाए बेबाक बेधड़क जानकारी, वह सोचे कि क्या सही है और क्या गलत। कांग्रेस पार्टी ने संसद के मानसून सत्र में राफेल विमान सौदे को बड़ा मुद्दा बनाने का फैसला किया था, पर मानसून सत्र खत्म होने जा रहा है और कांग्रेस को कामयाबी नहीं मिली है। इसका पहला कारण तो यह था कि दूसरी विपक्षी पार्टियों ने इस पर कांग्रेस का साथ नहीं दिया। दूसरा कारण यह है कि भाजपा और केंद्र सरकार के संसदीय प्रबंधकों ने रणनीति के तहत फोकस दूसरे मुद्दों पर ट्रांसफर कर दिया है। सत्र शुरू होते ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की सहमति दे दी गई। इस वजह से पहला एक हफ्ता इसकी राजनीति में गुजर गया। उसके बाद सरकार ने एक के बाद एक विधेयक संसद में पेश कर दिए। SC/ST उत्पीड़न रोकथाम कानून में बदलाव का बिल, OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का बिल और 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के बलात्कारियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान करने वाला बिल आ गया। सरकार ने इनको पास कराकर अपनी खूब वाहवाही कराई। इसके बाद मानसून सत्र का आखिरी हफ्ते में उपसभापति पद के चुनाव की घोषणा कर दी गई। पिछले 4 दिन से पक्ष और विपक्ष की पार्टियां इसी गणित में उलझी हैं। सत्र खत्म होने से एक दिन पहले चुनाव होगा, सो आखिरी हफ्ते में भी कांग्रेस के नेता राफेल का मुद्दा नहीं उठा सके। अब उनको संसद से बाहर इस मुद्दे पर राजनीति करनी होगी या शीतकालीन सत्र का इंतजार करना होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी विद अ डिफरेंस का नारा दिया था, फिर उन्होंने ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत दिया और भाजपा को उस लाइन पर चलने वाली पार्टी बताया। जनसंघ के जमाने से लेकर 1980 में भाजपा बनने तक इसके बारे में एक धारणा इसके पूंजीपतियों और कारोबारियों की पार्टी होने की थी। यह मुक्त अर्थव्यवस्था और अमेरिका से दोस्ती की समर्थक पार्टी थी। अब इसमें सामाजिक न्याय की अवधारणा भी जुड़ गई है। सूट बूट की सरकार चलाने का आरोप लगने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की छवि बदलने के प्रयास में लगे थे। अब उन्होंने भाजपा को सामाजिक न्याय की पार्टी में बदला है। ध्यान रहे, सामाजिक न्याय का नारा असल में VP सिंह के मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने के बाद से बना था और लालू प्रसाद व मुलायम सिंह यादव उसके सबसे बड़े चैंपियन बनकर उभरे थे। लालू प्रसाद के सामाजिक न्याय के नारे का जवाब देने के लिए नीतीश कुमार ने न्याय के साथ विकास का नारा दिया था, पर भाजपा नया नारा गढ़ने में नाकाम रही है तो उसने सामाजिक न्याय का ही नारा उठा लिया है। OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा देने और SC/ST उत्पीड़न रोकथाम कानून के पास होने, साथ ही भाजपा सामाजिक न्याय की चैंपियन पार्टी हो गई है और तय किया है कि हर साल 1 से 9 अगस्त के बीच सामाजिक न्याय सप्ताह मनाया जाएगा। सवाल है कि सामाजिक न्याय के लिहाज से मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होना ज्यादा बड़ी घटना है या OBC आयोग को संवैधानिक संस्थान का दर्जा देना। जाहिर है कि भाजपा ने OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का बिल संसद से पास होने को ज्यादा बड़ी घटना बनाया है। तभी बिल पास होने के अगले दिन भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें OBC सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारी भरकम माला पहनाकर स्वागत किया और सामाजिक न्याय पखवाड़ा व सामाजिक न्याय सप्ताह मनाने का फैसला किया। पर इसमें एक बात अनदेखी रह गई कि सरकार ने OBC बिल की मंजूरी के लिए कौन सा टाइमलाइन चुना। सरकार ने अगस्त के पहले हफ्ते में इसे पास कराने का फैसला किया और 6 अगस्त को इसे राज्यसभा की मंजूरी मिल गई। ध्यान रहे, प्रधानमंत्री रहते VP सिंह ने 7 अगस्त 1990 को मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करने की घोषणा की थी। सो ऐसा लग रहा है कि अपनी पिछड़ा राजनीति को धार देने के लिए मोदी सरकार ने OBC आयोग के बिल को पास कराने के लिए यह तारीख चुनी। उन्होंने इसके पास होने को अगस्त क्रांति कहा, पर ज्यादातर OBC समूहों के लोग 7 अगस्त 1990 की तारीख को असली अगस्त क्रांति बता रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि मंडल राजनीति का लाभ लेने के लिए इस तारीख को चुना गया है। आप देख रहे हैं सोचे सोचना जरूरी। अब है खुलासा। ताजा सुर्खियों में और बहस में
जिस बात ने आपको भड़काया है या कंफ्यूज किया है उसका मतलब क्या है, तो और छोर क्या कुछ है, इसे समझने के लिए अब देखें आज का खुलासा। सोमवार को संसद में बड़ी हलचल थी। लोकसभा में SC/ST उत्पीड़न रोकथाम कानून में संशोधन के विधेयक पर चर्चा हो रही थी। उधर राज्यसभा में ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के बिल पर चर्चा हो रही थी। शाम होते होते दोनों बिल पास हो गए हैं। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के बिल पर संसद की मुहर लग गई और इस पर अमल होना अब महज वक्त की बात है। SC/ST उत्पीड़न रोकथाम कानून पर लाया विधेयक भी कानून बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने के लिए लाए गए इस विधेयक का समर्थन करने के लिए पार्टियों में होड़ मची थी। भाजपा इसका श्रेय ले उससे पहले आगे बढ़कर कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। 9वीं अनुसूची का मतलब है कि उसे न्यायिक समीक्षा से संरक्षण दिया जाए। उसमें चले जाने के बाद अदालत इस पर विचार नहीं कर पाएगी। संसद के बाहर भी जो राजनीति हो रही है उसकी बुनियाद में जाती है। महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा व उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक आरक्षण का आंदोलन चल रहा है। सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत जातियां आरक्षण मांग रही हैं। देश की पूरी राजनीति का नैरेटिव जातिवाद पर बुना जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद हर सभा में अपने को पिछड़ा बताकर वोट गोलबंद करने का प्रयास करते हैं तो 15 साल मुख्यमंत्री रहे नेता को भी अपनी पिछड़ी जाति की पहचान बताने में हिचक नहीं होती है। सबसे पहले ओबीसी आयोग को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिए जाने की जरूरत पर विचार करना चाहिए। ये विधेयक पिछले सत्र में आया था पर कांग्रेस सांसदों की ओर से संशोधन पेश कर देने से राज्यसभा में ये बिल अटक गया था। उसके बाद पिछले 4 महीने में कई सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने इसके लिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। दोनों नेताओं ने कहा कि कांग्रेस पिछड़ों के हितों को बाधित कर रही है। बिल पास होने के एक दिन पहले तक अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की एक सभा में राहुल गांधी से पूछा कि वो बताएं कि उनकी पार्टी ओबीसी बिल को समर्थन देगी या नहीं। मजबूर होकर कांग्रेस ने बिल का समर्थन किया। अब सवाल है कि राजनीतिक मैसेज देने के अलावा इस बिल से क्या बदलेगा। SC/ST आयोग को पहले से संवैधानिक संस्था का दर्जा मिला हुआ है तो उससे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में क्या गुणात्मक परिवर्तन आया है। अब तक का अनुभव यह है कि आयोग को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिए जाने के बाद उसके अध्यक्ष व सदस्यों को मिलने वाली सुविधाएं बेहतर होने के अलावा कोई और सकारात्मक बदलाव नहीं होता। भारत में जातिवादी राजनीति के लिहाज से सबसे अहम उस कालखंड को माना जाता है जब मंडल की राजनीति चरम पर थी। 90 के दशक के आखिर से लेकर अगले 2 दशक को इस लिहाज से अहम माना जाता है। इस 2 दशक में राजनीति पूरी तरह से बदल गई। मंडल की राजनीति का कमाल है कि देश के ज्यादातर राज्यों में पिछड़ी जाति के नेता मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी पिछड़ी जाति से आने वाले नरेंद्र मोदी आसीन हैं। जब इतना बड़ा बदलाव ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए बिना हो गया तो अब संवैधानिक दर्जा देने से क्या बदलेगा। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण मिल रहा है और इस पर हुई राजनीति से उत्तर से दक्षिण तक अनेक राज्यों में पिछड़ी जातियों के नेता मुख्यमंत्री बने हैं। चूंकि सत्तारूढ़ पार्टी को लग रहा है कि राज्यों में पिछड़ी जातियों के प्रादेशिक क्षत्रपों से मुकाबला करना है तो उनके सामने जाति का नैरेटिव पेश करना होगा और लोगों को उसका मैसेज भी करना होगा, इसलिए इसका शिगोफा छोड़ा गया। इसी तरह SC/ST कानून में भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने का एकमात्र मकसद अनुसूचित जाति जनजाति के मतदाताओं को एक भावनात्मक मैसेज देना है। अदालत का फैसला पलटने के लिए ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई सर्वेक्षण कराया है और ये पता लगाया है कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है या नहीं। उसने दलित संगठनों और अपने व सहयोगी पार्टियों के दलित नेताओं को खुश करने के लिए अदालत का फैसला पलटने का बिल पेश कर दिया। जाति को इस कदर राजनीति का बुनियादी तत्व बना दिया गया है कि सरकार का हर काम और पार्टी का हर फैसला उसको ध्यान में रखकर किया जाता है। पार्टी कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, जाति मूल तत्व है। कहीं पिछड़ी जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जा रहा है, कहीं दलित आदिवासी को खुश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा जा रहा है, कहीं ओबीसी में से जातियों को निकालकर अत्यंत पिछड़ा यानी MBC में डाला जा रहा है, कहीं MBC में से जातियों को निकालकर SC/ST में डाला जा रहा है, कहीं ओबीसी की सूची बड़ी की जा रही है तो कहीं MBC की सूची बड़ी की जा रही है, कहीं इस जाति को आरक्षण दिया जा रहा है तो कहीं दूसरी जाति को आरक्षण के दायरे में लाया जा रहा है, कहीं सवर्णों को खुश करने के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात हो रही है, ज्यादा से ज्यादा जातियों को आरक्षण का लाभ देने के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है। ये सब तब हो रहा है जब ना तो नौकरियां बची हैं और ना आरक्षण वाले स्कूल कॉलेजों में कोई पढ़ने जा रहा है। उम्मीद है प्रोग्राम जचा होगा। अपनी राय, अपना सुझाव कमेंट लिखे भेजे। यदि सोशल मीडिया की कोई बात मुझसे शेयर करनी हो तो मोबाइल नंबर 0971774832 पर मुझे भेजें। आपसे रिक्वेस्ट है कि नया इंडिया टीवी की इस चैनल पर एपिसोड इमेज के नीचे लाल पट्टी में लिखे हुए सब्सक्राइबर बटन को ज़रूर दबाएं। वहाँ जो घंटी है उसे भी दबाएं ताकि नया एपिसोड अपलोड होते ही आपको सूचना मिले। धन्यवाद। नमस्कार।